तो लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये फीमेल देखें अभी अटैक करने लगी है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल हीट पर है और अभी अपनी हांडी मेकिंग कर रही है तो इस वाइस, ठीक है। तो बहरहाल मुझे इसको सेव भी करना है क्योंकि इसके लेग्स के अंदर ये धागा उलझ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी रुकई है कि ठीक है बेबीज़ जो होते हैं, ठीक है, वो उनमें से दो बेबीज़ के हमें डिफॉल्टर होते होते रह गए थे, ठीक है। मैंने ये कंडक्ट पीस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मेरी फीमेल हांडी के अंदर ये इसे रस्सी मामूली पता नहीं कहाँ से काटी, ठीक है, जो कि हाँ पहले कभी के क्या नाम है जो टर्नेडो वेंट्स आती थी, ठीक है, उसकी वजह से केजेस हिलते थे तो जब मैं बांध दिया करता था, तो ये रस्सी मेरे ख्याल से बंधी रह गई थी, तो जिसको ये फीमेल नेस्टिंग मटेरियल में यूज़ कर रही थी, ठीक है, कुछ दिन पहले। लेकिन अभी मैंने देखा कि शायद इसके ये लेग्स के अंदर फंस गई है। तो बहरहाल वैसे तो फीमेल मुझे अटैक कर रही है, वो क्यों? क्योंकि ये फीमेल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इसी वीक अंडे लेकर देगी, क्योंकि इसको मैंने अभी क्रॉस करके पाया है, ठीक है, कई दफ़ा जब मैं अपने बाउल वगैरह पानी के धो रहा होता हूँ तब। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये फीमेल जो है ना अभी क्या नाम है तैयारी पर है, पहला उरूज है तकरीबन इसकी एज एट अभी 21 मंथ के आसपास होने को है, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, पीछे हमारे पास मेहमान भी आ चुका है, ठीक है, जो कि मेरे नियर केजेस के बेतहाशा हो चुकी हैं, ठीक है, थीके? तो चले हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डेली बेस की है और ये इतना उकता चुकी है मुझसे डरती भी नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये मेरी फीमेल पैराकीट है जिसके पाँव के अंदर ये आपको रॉ रस्सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसके पाँव के अंदर फंस चुकी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी तकरीबन हमने देखा था कि हमारी रुकैया के जो बेबीज़ थे उनमें से दो बेबीज़ डिफॉल्टर होते होते बचे, ठीक है, क्योंकि उनकी पाँव के अंदर जो बोरा होता है प्लास्टिक का, ठीक है, उसका एक यानी कि रेशा कह लें वो उसके पाँव में बन चुका था और वही यानी कि राउंड हो गया दूसरे के पाँव के अंदर भी लपेट में था। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ क्योंकि ये फीमेल अभी एग्रेसिव मोड पे, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम की एक ले करना है, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मेल हमारे पास 5x5 के केज का, ठीक है, कैप्टिव वाइल्ड है तो इसे से ही फड़फड़ाएगा। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये मैं रस्सी खींच रहा हूँ, ठीक है, और ये रस्सी इसके पाँव से बंध गई है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ये अगर इसी तरह लगी रहेगी तो ये इसको नुकसान करेगी, तो मैं वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये खुद ही निकल गया, ठीक है, यानी कि फीमेल थोड़ी सी फड़फड़ाई उसके बाद ये निकल गया, ठीक है। फीमेल एग्रेसिव मोड में है जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये कोशिश करूँ, ठीक है, तो ये हमने इसका अलहदा कर लिया। ये फीमेल हमारी आप देख सकते हो वेंट की तरफ से भी कि मल्टीपल टाइम क्रॉस हो रही है खुद से, तो इंशाल्लाह में भी चांस ये है कि ये बासानी हमारे पास एक ले कर देगी, ठीक है। यानी कि आपको इर्द गिर्द भी नज़र रखनी चाहिए अपने बर्ड्स के बिहेवियर को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। बरसात में मैंने ये कपड़ा बांधा था और उससे पहले हवा का ज़ोर ज़्यादा था जब केजेस मैंने बांधे थे, ठीक है, तो उसमें ये रस्सी का टुकड़ा रह गया होगा जो कि फीमेल ने अपनी तरफ खींचने के बाद आज इसकी नेस्टिंग कर रही थी और अब इसको ही नुकसान दे जाती। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह के बाद।